ये मेनरी का ये एंट्री गेट है और मैं चलता हूँ अंदर। इस प्रकार से यहाँ पे हाथ धुलिए और ये बाइक खड़ी है, वहाँ पे जूते चप्पल मैंने जमा करा दिए हैं। और ये मंदिर का एंट्री पॉइंट है, तो यहाँ पे इनका खुद का चैनल है एक, मैं उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। और ये लेके आया हूँ, तो ये राधा रानी पार्क है और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, तो पत्थर का ही पर के सामान बना के रखा है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लकड़ी की परत होती है जो ऊपर की छाल होती है, उसी प्रकार से आपको दिख रहा होगा। और वहाँ पे श्री राधा रानी का पार्क है, तो मैं भी आपको वो भी दिखाऊँगा, राधा रानी जी और श्री कृष्ण। तो ये मंदिर कुछ समय के लिए खुलता है और कुछ बेड सीटिंग एरिया है, तो मैंने आपको दिखा दिया, चलिए नीचे चलता हूँ। तो ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा और ये मोक्ष धाम है, यहाँ पे आप शादी भी अरेंज करा सकते हैं, जो छोटी मोटी शादियाँ होती हैं बहुत सस्ते में। देखिए ये इनके चैनल है श्री मोक्ष धाम मंदिर लोनी, ठीक है, इनका चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये श्री कृष्ण जी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रही इनकी मूर्ति, प्रणाम करते हैं। और ये जब यहाँ पे हम आई गए हैं तो कुछ मजाक चले, तो प्रभु अपनी कृपा जिस प्रकार से, जय शंकर। देखिए वो चूहा महाराज जी हैं वो अंदर, जय शंकर। जैसे कि अभी हम वापस आए हैं तो आपके चरण, अब हमें वहाँ पे नसीब में नहीं था जाने को, तो हमें आपके चरणों में ही आने था, तो हम आए आपके चरणों में। और चरणों में हम प्रणाम करते हैं, और ये रहे हमारे साईं बाबा, जय साईं बाबा की, जय साईं बाबा की। ये चरण इनके कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्थापित किए गए हैं साईं बाबा के, तो हम
इन्हीं को प्रणाम करते हैं और इनके अतिरिक्त इनके पास में नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ साईं बाबा इस प्रकार से जो नगर के लोग थे उनको इस प्रकार से सही कर दिया करते थे। तो ये देखिए इस प्रकार। तो यहाँ पे परिक्रमा काल भैरव महाराज यहाँ पे उपस्थित हैं और यहाँ पे एक परिक्रमा करके निकलते हैं। तो काल भैरव मंदिर यहाँ पे है। तो जैसा कि मैडम ने अभी हमें कहा फ़ोन बंद कर लीजिए, तो मैं उनको उनसे माफ़ी मांगता हूँ। तो मैं जैसे कि मैं हमने यहाँ से एग्जिट कर लिया और बस चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप चुनरी वगैरह भी बांध सकते हैं। तो ये रही चुनरी, मैंने भी यहाँ पे बांधी है चुनरी। तो अपनी अपनी मन्नतों के लिए बांधी जाती है चुनरी। और यहाँ पे कीचड़ में से जो कीचड़ आए हम सॉरी, तो यहाँ पे कुछ मिट्टी से कुछ उनका है उसी प्रकार से यहाँ पे बनाते हैं। तो चलिए करता हूँ एक सेट और कुछ थोड़ा बहुत दान रचना वो भी देना पड़ता है। तो वो ज़रूरी आपकी मर्जी, देना हो दे वरना कोई बात ही नहीं है। भाई